तेन सच दसा तेरे राज नू एक राज पसंद आया, बस यारा तेरे मारन दा अंदाज पसंद आया। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, प्यार का अंदाज भी अलग होता है, कभी अपनाता है तो कभी ठुकराता है। ग्रिंगो एंटरटेनमेंट प्रेजेंट मेल्स न्यू ट्रैक अंदाज फीचरिंग मायरा शर्मा। द सॉन्ग इज पेंड बाय राज फतेहपुर एंड द म्यूजिक इज गिवन बाय गौरव एंड कार्तिक देव। ये लिखा है डिस्क्रिप्शन में। तो इस गाने को काफी लोगों ने देख लिया है, अभी तक कुछ 3.5 लाख लोग देख चुके थे जब तक मैंने ये गाना देखा। और इस गाने का मैं करने जा रहा हूँ रिव्यू। गाने में एक अजब सी चीज है, मुझे मैं ये सोचता हूँ कि आजकल मैक्सिमम गाने बेवफाई के ऊपर ही क्यों बनते हैं। वो बेवफाई ज्यादातर लड़कियों की तरफ से होती है, ऐसा क्यों है? क्या सच में ऐसा आजकल होने लगा है, या फिर क्राइम सीरीज इतनी ज्यादा देखने लगे हैं लोग कि माइंड उधर को ही चलता है, वैसी चीजें और बनते भी बिल्कुल वैसे हैं। आपने देखा कि पोस्टर, जब हमने देखा इसका अंदाज का पहले पोस्टर रिलीज हुआ था, तो पोस्टर में ऐसे किसी बंदे के आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और पीछे जो है मायरा शर्मा ऐसे खड़ी थी, तो ऐसे लगता था कि बहुत ही जैसे जेम्स बॉन्ड टाइप की कोई स्टोरी हो और वहां पे मायरा शर्मा ऐसे पीछे से निकल रही है कि मायरा शर्मा को ये आंखों पे पट्टी वाला बंदा वो जो है जैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ अंदाजे लग रहे थे। लेकिन जब देखा हमने तो निकला कुछ और ही। वो आपको पता है कि मायरा शर्मा कश्मीर में पीछे शूटिंग करने गई थी, वो इसी गाने की शूटिंग थी। और कश्मीर की वादियां हैं, कश्मीर वैली है, तो वहां पे क्योंकि वो शिकारे भी नजर आते हैं, तो वहां पे मायरा शर्मा अपने जो एक्स बॉयफ्रेंड कह लो, हस्बैंड होगा, ये नहीं हुआ, बॉयफ्रेंड ही होगा, तो उसको लेके आती है। तो वो बेचारा मासूम कहता है कि ये तुम मुझे कहां लेके आ गई हो, ये क्या सस्पेंस दे रही हो मुझे, तो आंखों पे पट्टी बांध के उसको लेके आई है। तो फिर आंखों पे पट्टी खुलती है तो वो एकदम से आंखें उसकी फटके रह जाती हैं, क्योंकि फिर गोली आती है, गोली बजती है उसकी छाती पे लगती है। मायरा शर्मा के पीछे से एक पूरा लंबे एक टॉल जो हैंडसम गाय निकलता है और उस बंदे को मायरा शर्मा के एक्स प्रेमी को गोली मार देता है। और मायरा शर्मा खुशी खुशी हैप्पीली उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के चली जाती है। तो ये गाने की शुरुआत होती है। फिर वो बंदा है, ये बंदे का भूत है या क्या है, या मायरा की यादें हैं, क्योंकि क्राइम करने के बाद क्राइम का बोझ जो है हमारे सर पे रहता है, वो हमें जीने नहीं देता है। तो या ये चीज है कि वैसा होता है कि वो बंदा भटकता है, फिर ये गाना चलता है कि तेनु सच दसा तेरे राज नू, राज उस बंदे का नाम है। मैं नहीं कहता कि शाहरुख खान की फिल्मों को देख के ये राज नाम रखा गया है, कि तेरे राज नू एक राज पसंद आया, कि तेरे सच दसा तेरे मारन दा अंदाज पसंद आया, कि जिस अंदाज से, अंदाज क्या था, वो तो उसके बॉयफ्रेंड ने गोली मार दी, तो ये क्या अंदाज था? अच्छा, जो आंखों पे पट्टी बांध के लाई थी वो अंदाज की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है। तो उसके बाद फिर जी मायरा शर्मा उसके साथ अपने नए वाले के साथ लगी हुई है, तो फिर ये बंदा फिर उसको एकदम देखती है कि वो भी प्रेमी, जो बिछड़ा हुआ प्रेमी है या प्रेमी की रूह है, वो बोलते हैं कि मैं पीछा तो नहीं छोड़ूंगी। और फिर मायरा शर्मा एकदम खिड़की में से जब देखती है उसके नए वाले के साथ है, तो देख के नीचे वो खड़ा है, तो देख के उसकी मतलब एकदम से चीख निकल जाती है, हक्की बक्की रह जाती है, भौचक्की रह जाती है। फिर वो देखती है कि वो जो नए, अचानक से उसको लगता है कि सीन याद आता है कि कैसे उसको गोली मारी थी, और लेकिन फिर वो देखती है कि वो गोली अब नए वाले को बजी पड़ी है, नए वाला ऐसे गिर गया है, मर गया है, या तो भैया वो आत्मा ने बदला लिया या कैसे लिया, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से 2-4 बार 5 बार गाना देखूंगा, तो फिर मैं कुछ और डीपली इसको स्टोरी लाइन को समझने की कोशिश करूंगा। तो ये जो है, जो भी स्टोरी लाइन है, इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि दोस्तों गाना ठीक ठाक है, मायरा के फैंस को जरूर पसंद आएगा, लेकिन मायरा शर्मा का अच्छा है काम। मायरा शर्मा को दुआ करते हैं कि ऐसे काम मिलते रहे, और मायरा शर्मा जैसे कि अभी चंडीगढ़ में स्थित है, तो वहां पे तो ऐसे करके फैंस को कुछ ना कुछ चीजें देती रहे। तो मेल जो है ये इन्होंने गाया ठीक है, ठीक ठाक गाया, अच्छा गाया है गाना। तो हंगरी स्पिरिट्स इस गाने को देता है 2.5 स्टार। धन्यवाद, कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल।
दर्शन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की बॉन्डिंग बिग बॉस 13 से बनी हुई है और अभी तक बॉन्डिंग उनकी चल रही है। काफी ज्यादा उनके घनिष्ठ संबंध है, हालांकि बहुत सारे एक हल्के से ट्वीट के ऊपर भी बहुत सारा घमसान मच जाता था कि हिमांशी ने ट्वीट ये कर दिया है, रिश्ता टूट गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ में प्रोजेक्ट जो करते हैं वो अच्छा ठीक ठाक चलते हैं, अच्छा चलता है। कल्ला सोना नहीं काफी सुपर डुपर हिट हुआ, तो अभी भी आगे भी वो फ्यूचर में ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं साथ में प्रोजेक्ट करने की। लेकिन पता नहीं क्यों जो फैंस हैं, खासकर आसिम रियाज के फैंस को ये चीज कतई पसंद नहीं है कि आसिम रियाज और हिमांशी खुराना दोनों साथ साथ में रहें, साथ साथ में काम करें और दोनों की ऐसी घनिष्ठता हो या दोनों शादी कर लें। ये चीज आसिम रियाज के फैंस को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है। तो आसिम रियाज के एक फैन ने फैन पेज के आसिम रियाज फैन पेज पे एक ट्वीट किया 31 अगस्त 2020 को के कहा कि आई नो मैनी आसिम फैंस आर सैड ड्यू टू द अनाउंसमेंट, बट अनाउंसमेंट ये थी दोनों की दो के दोनों टुगेदर प्रोजेक्ट करेंगे, दोनों के घर वालों से बात कर रहे थे, दोनों आपस में जो है एक रिश्ते में बन सकते हैं। तो बट लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द लास्ट आसिमांशी प्रोजेक्ट, सेकेंडली वी विल हाइप आसिम एंड ओनली आसिम इन द ट्रेंड रिलेटेड टू द सॉन्ग, सो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट इट, आसिम रियाज आसिम स्क्वाड। तो यहां पे हिमांशी खुराना इसका जवाब देती हैं, वो कहती हैं कि हु गिव्स यू फेक न्यूज, और सुनो आसिम ने आसिम एंड मी विल डू गुड प्रोजेक्ट्स, जहां लोग काम के लिए तो रहे, वी आर गेटिंग गुड प्रोजेक्ट्स, और तुम लोग फैक्ट्स और सच से बहुत दूर हो, जिस दिन एक्चुअल रियलिटी पता चलेगी, एनीवेज लेट इट बी, बीबी इतना ही याद है तो किसने क्या बोला वो क्यों भूल गए, कि बिग बॉस के घर में इतना ही याद है किसने क्या कहा तो और क्यों भूल गए। तो ये जो है बात हिमांशी खुराना के इस ट्वीट में एक छुपी हुई लाइन है जो कि जब रियलिटी जिस दिन एक्चुअल रियलिटी पता चलेगी तो फैक्ट से तुम बहुत दूर हो, तो एनीवेज लेट इट बी। तो ये क्या रियलिटी ये है कि आसिम रियाज और हिमांशी खुराना शादी करने वाले हैं? क्या दोनों एक साथ जिंदगी को एक नए तरीके से जीने की सोच रहे हैं या कुछ ऐसा है? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि आसिम रियाज और मुझे तुम अलग कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुमको तो फैक्ट्स ही नहीं पता है। तो क्या कहते हो आप हिमांशी खुराना के इस ट्वीट का क्या है मतलब? आप भी इसका कुछ मतलब निकाल के वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।